HNBUMU मोपअप काउंसलिंग 2023, चाहे हम BSc नर्सिंग स्टूडेंट की बात करें, JNM स्टूडेंट की बात करें, NM स्टूडेंट की बात करें, पैरामेडिकल स्टूडेंट की बात करें, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे आपको अपना अलॉटमेंट लेटर निकालना है, कब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, क्या टाइमिंग आपकी रिजल्ट की रहने वाली है और कहाँ से आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले बेस्ट लाइन उन स्टूडेंट के लिए जिन्हें कोई भी कॉलेजेस एलोटेड नहीं हुआ है, जिनकी होप थी कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेजेस एलोटेड होगा, और ऐसे स्टूडेंट जिन्हें मोपअप काउंसलिंग के बाद भी कॉलेजेस एलोटेड नहीं होगा, उन स्टूडेंट के लिए ये लाइन, लड़खड़ा गया तो क्या हुआ अभी जान तो बाकी है, अपनी निगाहों को सुधार लो, अभी कई एग्ज़ाम बाकी है। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी कॉलेजेस एलोटेड नहीं होता है मोपअप राउंड के रिजल्ट के बाद, तो होप बिल्कुल मत छोड़ना, आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करो और अगली बार उन गलतियों को दोहराना नहीं जो गलतियाँ आपने पहले एग्ज़ाम में की है, और अपना बेस्ट देकर अगली बार आप गवर्नमेंट सीट को अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो ध्यान देना स्टूडेंट, जो रिजल्ट है आपका कल दिनांक 22 जनवरी 2023 को 5 बजे अनाउंस हो जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, मैं कल आपको फुल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि आपका रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। जैसे कि कल की वीडियोस में मैंने आपको प्रोवाइड किया था कि प्रीवियस ईयर में मोपअप राउंड की जो लास्ट कट ऑफ है कितनी गई थी, उसके बाद भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट मेरी जो उस वीडियोस में कितना गलत रिटेंशन पड़ा था मुझे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे 2 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर लिया था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट। मैं प्रत्येक वीडियोज़ में कहता है मुझे कोई सब्सक्राइब करे अनसब्सक्राइब करे, मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि मुझे सब्सक्राइब करो या अनसब्सक्राइब करो, आपकी चॉइस है स्टूडेंट। लेकिन मैं खुद का कंटेंट में बेस्ट देता हूँ, आपको हुई चीज़ें बताता हूँ जो एक्चुअल में आपको जिसकी नीड है। अब बात करते हैं मोपअप राउंड का रिजल्ट आपको कैसे देखना है। इसके लिए आपको नॉर्मली HNBUMU की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद जो यहाँ पे ऑप्शन है नर्सिंग ऑब्लिक पैरामेडिकल काउंसलिंग 2022, फिलहाल यहाँ पे ये इंटरफेस ओपन नहीं होगा क्योंकि आपका रिजल्ट यहाँ पे कल पब्लिश होने वाला है। कुछ इस प्रकार का पब्लिश आपका यहाँ पे होगा जब आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा वेबसाइट में, इस प्रकार का आपके मोबाइल फ़ोन या PC में खुलेगा। ध्यान देना स्टूडेंट, जो मोबाइल फ़ोन से अगर आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो ये ब्लू कलर का जो यहाँ पे पॉइंट है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक जैसे ही आप करोगे तो ये इंटरफेस आपके मोबाइल फ़ोन पे भी दिख जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे जब कल आपका रिजल्ट पब्लिश होगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेम रहेगा, और यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा सीट मैट्रिक्स मोपअप राउंड, और यहाँ पे जो रिजल्ट के रिगार्डिंग दिखाएगा प्रोविजनल रिजल्ट मोपअप राउंड, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। नॉर्मली आपको प्रोग्राम पे सेलेक्ट करना है, जैसे कि BSc नर्सिंग के स्टूडेंट की बात करते हैं, फिलहाल यहाँ पे प्रीवियस ईयर में BSc नर्सिंग वालों की काउंसलिंग नहीं हुई थी तो BSc नर्सिंग का इंटरफेस यहाँ पे नहीं दिखाया था। आपको नॉर्मली अपना जो प्रोग्राम है, चाहे JNM हो, NM हो, BSc नर्सिंग का हो, या पोस्ट बेसिक नर्सिंग का हो, या MSc नर्सिंग का हो, उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, सेम जैसे आपने काउंसलिंग में किया था। जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन आप देख रहे होंगे, डैशबोर्ड, रजिस्ट्रेशन पे, काउंसलिंग फीस, चॉइस फिलिंग, रिजल्ट और अलॉटमेंट लेटर, नॉर्मली आपको अलॉटमेंट लेटर के सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं BSc नर्सिंग स्टूडेंट का अलॉटमेंट लेटर है। कुछ इस प्रकार का अलॉटमेंट लेटर BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट का निकलेगा क्योंकि उनका काफ़ी स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम काउंसलिंग किया है तो उन्हें पता नहीं होगा कि अलॉटमेंट लेटर क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो इसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका डोमिसाइल, कैटेगरी, रोल नंबर, आपके अलॉटेड स्टेट रैंक यहाँ पे मेंशन होती है, और अलॉटेड कॉलेज कोटा, जो कॉलेजेस आपको अलॉटेड होगा मोपअप राउंड में वो यहाँ पे मेंशन होगा, और अलॉटेड कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी की सीट आपको अलॉटेड हुई हो यहाँ पे मेंशन होगी। साथ ही साथ लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ध्यान देना स्टूडेंट, जो लास्ट डेट आपके एडमिशन के रहने वाली है 25 जनवरी 2023 तक आपको पर्टिकुलर कॉलेजेस जो अलॉटेड हो गए वहाँ पे आपको एडमिशन कराना होगा। इसके रिगार्डिंग आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। साथ ही साथ BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि वीडियो के लास्ट में आपको कौन कौन से स्कोप BSc नर्सिंग में रहते हैं आपके लिए, उसकी वीडियोस भी मैंने प्रोवाइड कर दी। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है काउंसलिंग के टाइम जब आपका एडमिशन होगा, तो उसके रिगार्डिंग भी वीडियो आपको लास्ट में प्रोवाइड हो जाएगी, तो दोनों वीडियोस आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अनदर क्वेरी आपकी रहती हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी अगर वीडियो को आप लाइक नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट होऊंगा। गुड लक फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट, जैसे ही कल आपका रिजल्ट पब्लिश होता है मैं उसके रिगार्डिंग आपको फुल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अनदर क्वेरी या कुछ भी प्रॉब्लम आपकी रहती हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू दोस्तों।